अप्रैल से लगे लॉकडाउन के 12 दिन बाद जिले में जिलाधिकारी के विजन पांडियन की सहमति के बाद आबकारी विभाग ने गुरुवार से शराब की दुकानों को खोलने की अनुमति दी है, जिसके बाद 13 मई से सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक शराब की दुकानें खुली, लेकिन शराबियों में काफी उत्साह नहीं देखा गया, जिसका मुख्य कारण आसपास के कुछ जिलों में शराब की दुकानें कुछ दिन पहले खुल जाने के कारण ऐसी स्थिति सामने आई है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए अंग्रेजी शराब दुकान के प्रोपराइटर गजेंद्र यादव, अजय जायसवाल और जोगिंदर यादव ने कहा, रविंदर यादव। आज हो गए 17 तारीख है या 12-13 30 तारीख से बंद है दुकान। कितना नुकसान हुआ होगा? नुकसान माल पर डे 5,000-6,000 का नुकसान है, 10,000 से कम का नुकसान है मालिक लोग को। आज कस्टमर को लेकर आए कस्टमर थे आज? कस्टमर है कम है। अजय जायसवाल, नुकसान तो बहुत ज़्यादा हुआ है, मगर आज लेकिन दुकान खुली तो बिक्री एकदम साफ ही नहीं है। अनुमान कभी कितना तक का नुकसान हुआ होगा? तो भैया अब इतना तो हमको मालूम डेली का बिक्री कितना तक था? डेली की बिक्री के हिसाब से रोज अभी बिक्री कुछ है नहीं। बंदी से पहले कितने तक का दिन भर पूरे दिन का बिक्री होता था आपके यहाँ? अभी 70,000-80,000 की बिक्री होती थी डेली। आज क्या माहौल है? आज क्या कस्टमर है कि नहीं? वो हल्का फुल्का है, बहुत ज़्यादा नहीं है। जोगिंदर यादव, बंदी की वजह से कितना प्रभाव पड़ा? बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। कितने तक का वो सभी कितने को नुकसान हुआ होगा? अरे समझिए कि बहुत ज़्यादा हुआ। अब इसका तो आंकड़ा अभी तो दुकान आज खुली है, इसका आंकड़ा अभी बैठ करके लगाया जाए। डेली कितने तक की बिक्री हो जाती है? डेली जब से लॉकडाउन शुरू हुआ तब से मतलब वही स्थिति है, मतलब कि ज़्यादा भीड़ भाड़। मुझे सरकार ने दुकान खोलने का आदेश दिया, दुकान खुली है, ग्राहकों को क्या? ग्राहकों वही इक्का दुक्की हैं, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है।